हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, क्योंकि गाइस आजकल लगभग सभी लोगों के घर पे टाइल्स होने लग गई है, और टाइल्स में आप डॉग रखते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, या फिर कभी कभार न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी आती है। तो ये प्रॉब्लम है लेग बेंडिंग की। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके डॉग को किसी भी वजह से लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनली किस को क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से डॉग में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये होती है कि डॉग को कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसकी एज के हिसाब से आपको कैल्शियम नहीं देते हैं तो लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात गाइस ये होती है कि आप प्रॉपर खाना भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर आपके घर में टाइल्स लगी हुई है तो टाइल्स पर उसके पैर फिसलते हैं, उस वजह से भी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि डॉग को ओवर फीड करते रहते हैं, ओवर फीड करते रहते हैं, डॉग बहुत मोटा हो जाता है। उसका वेट अगर 15 किलो होना चाहिए तो वो 30 किलो का हो जाता है। इतना ज़्यादा अगर आप ओवर वेट करेंगे डॉग को तो उस वजह से भी जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, एंड उस वजह से भी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर पहली बात तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो पहले तो उसका आप वेट कम करिए। उसके बाद गाइस, जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करने के लिए गाइस ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, बीफर का बोन बिल्डर। बोन बिल्डर आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रॉन्ग टी। तो गाइज़ ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। लेग बेंडिंग को काफ़ी हद तक ये ठीक कर देता है। बाकी गाइज़ प्रॉपर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एंड ये वाला सप्लीमेंट आप यूज़ करेंगे बोन बिल्डर अगर बीफर का, तो ये गाइज़ बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास गाइज़ एक और इम्पोर्ट प्रोडक्ट भी है, बट ये सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है इस वाले से, बोन बिल्डर से, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वीडियो में। वो हो सकता है गाइस सब शॉप्स पे अभी अवेलेबल नहीं है वो प्रोडक्ट, अभी इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए गाइस बीफर आपको हर जगह मिल जाएगा, इसलिए मैंने बीफर दिखा दिया आपको, क्योंकि बीफर जो ऐसी कंपनी है और ये बोन बिल्डर बहुत टाइम से बन रहा है इंडिया में, बहुत टाइम से आ रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये आपको पूरे इंडिया में सब जगह सब शॉप्स पर मिल जाएगा। तो इसलिए गाइस ये वाला प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, और इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल यूज़ करिए। लेग बेंडिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी इस प्रोडक्ट से। एंड इसकी एमआरपी अभी की मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एमआरपी है 840 रुपीज़। 840 रुपीज़, तो 840 रुपीज़ इसकी हमारी एमआरपी है। इसमें आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी गाइस न्यूट्रिशन भी आप अच्छा रखिए अपने डॉग का, एंड उसका ख्याल रखिए। बाकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम सिर्फ ये देने से सॉल्व नहीं होगी, अच्छे से आप थोड़ी मतलब जो एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए वो भी करवाइए, एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा रफ फ्लोर पर रखने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।